दोस्तों, ये है हमारे भारत के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिला का मुख्यालय रोइंग टाउन, जो कि राज्य की राजधानी शहर ईटानगर से 357 किलोमीटर दूर, वहीं गुवाहाटी से 587 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रोइंग अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने बर्फ से ढके पहाड़ियों, गहरी घाटियों, अशांत नदियों, झरने, शांत झीलों और शांति जैसे स्थलों के लिए जाना जाता है। जो भी पर्यटक यहाँ की यात्रा करता है, वो कभी निराश होकर वापस नहीं जाता। लोअर दिबांग वैली जिला 3900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जबकि आबादी महज 66,908 निवासियों की है, जिससे यहाँ की शांति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रोइंग में नेपाली, बंगाली, आसामी, मिसमी और हिंदी आदि सहित अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। रोइंग टाउन की आबादी आज के दिन यानी 2023 में लगभग 15,600 लोगों की है। फरवरी में मनाया जाने वाला ईदू मिसमी का रेह त्यौहार यहाँ काफ़ी फेमस है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। जबकि आदि जनजाति का सोलुंग त्यौहार भी हर साल सितंबर के महीने में बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्राकृतिक खूबसूरती से परिपूर्ण रोइंग के पास कई पर्यटन स्थल है। माहौम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोइंग के पास सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये वन्यजीव अभयारण्य जानवरों, पौधों, पक्षियों, मछलियों आदि के विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है। मायोदिया पहाड़ी रिजोर्ट रोइंग से 56 किलोमीटर दूर स्थित है। हरियाली और हिमालय के मनमोहक दृश्यों के बीच स्थित मायोदिया में दिसंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी होती है। मायोदिया ट्रेकिंग और हनीमून कपल्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। रोइंग के पर्यटन स्थलों में नेहरू वन्य उद्यान भी फेमस है। देवपानी नदी के तट पर स्थित नेहरू वन्य उद्यान एक बेहद खूबसूरत जगह है, जहां एक आकर्षक कैक्टस हाउस, आर्किड क्षेत्र और एक सुंदर बागीचा है। दोस्तों, अगर आपको यहां ट्रेकिंग एडवेंचर का मज़ा लेना हो तो रोइंग से अनिनी के रोड पर स्थित हुल्ली का प्लान बना सकते हैं। ये रोड मार्ग काफ़ी रोमांचकारी है, जो यहाँ आने वाले यात्रियों का मंत्रमुग्ध कर देता है। हुंडली में आप 2 घंटे का ट्रेकिंग कर सकते हैं। वैसे इतिहास में दिलचस्पी लेने वालों के लिए भी यहाँ देखने लायक जगह है। रोइंग से 30 किलोमीटर दूर भस्मक नगर किला अरुणाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने पुरातात्विक में से एक है। माना जाता है कि इस किला को 8 से 12वीं सदी के आसपास पके ईंटों से बनाया गया था, जो 1860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आप माहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित माहो झील में कैंपिंग, नौका विहार और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ का एंजॉय कर सकते हैं। ये विशाल झील लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो समुद्री सतह से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। नंबर 7, इफीपानी घाट। मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध ये स्थान दिबांग नदी तथा दिबांग घाटी के अद्भुत दृश्य से टूरिस्टों का मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 8, इटापाखुर एंड पदम पोखरी। ये इथली गांव में स्थित रोइंग के प्रमुख तालाब है। ये तालाब यहाँ खिलने वाले कमल के फूल के लिए फेमस है, जो अक्टूबर नवंबर में खिलते हैं। नंबर 9, रुक्मिणी नट्टी। इसे चिमरी किला भी कहा जाता है। ये रोइंग से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर चिमरी गांव के मध्य में स्थित है। माना जाता है कि इसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। नंबर 10, सैली झील। सैली झील रोइंग टाउन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित सैली झील घने और हरे भरे जंगल से घिरी हुई है, जो स्थानीय और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रोइंग में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मी का मौसम है, जबकि मायोदिया रिजोर्ट में घूमने के लिए सर्दी का मौसम ही बेस्ट है। रोइंग से निकटवर्ती हवाई अड्डा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है, जो रोइंग से 150 किलोमीटर दूर, वही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी डिब्रूगढ़ एंड न्यू तिनसुकिया है।